वनडे मैच में तो जसप्रीत बुमराह का धमाल आपने देखा ही होगा, लेकिन आज हम आपको उस टेस्ट मैच के बारे में बताएंगे जिसमें जसप्रीत बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से कहर ही मचा दिया था। बात है 26 दिसंबर 2018 की। मैदान ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, मैच भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। टीम इंडिया की कमान विराट कोहली के हाथ में थी। इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जिसमें पुजारा ने 106 रनों की शानदार पारी खेली। उसके अलावा कप्तान कोहली 82 रन और रोहित शर्मा 63 रन। इस तरह से टीम इंडिया ने 443 रन पर 7 विकेट खोकर अपनी पारी घोषित कर दी। लेकिन जब ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी ही धरती पर पारी की शुरुआत करने उतरे तो जसप्रीत बुमराह ने विकेटों की झड़ी लगा दी। पहले हैरिस, फिर मार्श, फिर टीएम हेड, उसके बाद कप्तान टिम पेट। इस तरह बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में तहलका मचा दिया और पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम 151 रनों पर ऑल आउट हो गई। पहली इनिंग में बुमराह ने 33 रन देकर 6 विकेट झटके। उसके बाद दूसरी इनिंग में टीम इंडिया ने 106 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी और ऑस्ट्रेलिया के सामने 399 रनों का टारगेट रख दिया। अपनी पहली पारी से ऑस्ट्रेलिया टीम उभरी भी नहीं थी कि जसप्रीत बुमराह ने दूसरी इनिंग में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों पर कहर बरपा दिया। बुमराह ने दूसरी इनिंग में भी 3 विकेट झटके। इसके अलावा रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट, ईशांत शर्मा ने 2 विकेट और मोहम्मद शमी ने भी 2 विकेट झटके। इस तरह से पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 261 रनों पर ही ढेर हो गई और टीम इंडिया 137 रनों से टेस्ट मैच जीत गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला एक गेंदबाज टेस्ट में भी तूफान मचा देगा। कप्तान कोहली भी बुमराह की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट लिए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। तो आपको कैसी लगी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।